महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के इरसालवाड़ी गांव में बीती रात एक बड़ा हादसा हुआ। पहाड़ी पर बसा हुआ ये गांव चट्टानों की चपेट में आ गया। बीती रात से ही बहुत मूसलाधार बारिश इस पूरे इलाके में हो रही थी और पहाड़ी पर बसे हुए आदिवासियों का गांव चट्टान के नीचे दब गया। हम इरसालवाड़ी गांव के नजदीक हैं। ये देखिए आप, यहां तक गाड़ी आ पा रही है जहां तक आपको सड़क दिख रही है और इसके बाद आपको पहाड़ी पर चढ़ाई नजर आ रही होगी और पहाड़ी पर चढ़ते हुए कुछ लोग भी नजर आ रहे होंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं यही वो पहाड़ी है और इस पहाड़ी के पीछे ये गांव है, यानी कि तीन तरफ से ये गांव पहाड़ी से घिरा हुआ था और पहाड़ी के निचले सतह पर, निचले स्तर पर ये पूरा गांव था इरसालवाड़ी, जो कि आदिवासियों का गांव था। इस गांव में लगभग 46 घर थे और बताया जा रहा है कि इस 46 घर में 39 घर मलबे के नीचे दबे हुए हैं। बीती रात 11:30 से 12:15 बजे के करीब इसी पहाड़ का चट्टान जो है वो गांव पर फिसल गया, गांव पर गिर गया और इसकी चपेट में 100 से अधिक लोग आ गए। इस गांव की जनसंख्या लगभग 260 है और 260 में से बताया जा रहा है कि 120 से अधिक लोग मलबे के भीतर दबे हुए हैं। गाड़ियां यहीं तक जा रही हैं और इसके बाद लोगों को ट्रैक करते हुए पहाड़ी पर चढ़ना पड़ रहा है और ट्रैक करने के बाद पहाड़ी पर जो गांव है इस पहाड़ी के ठीक पीछे वहां पहुंचना पड़ रहा है और वहां से अगर कोई पार्थिव शरीर मिलता है या कोई घायल व्यक्ति मिलता है तो आप कल्पना करिए किस स्थिति में उसे रेस्क्यू करके लाया जा रहा है। तो आपको बता दें कि बीती रात जब ये हादसा हुआ, जब पत्थर गिरने लगे, मलबा गिरने लगा, तो आनन फानन में गांव के लोग अपनी जान बचाकर भागने लगे। कुछ लोग अपनी जान बचाकर भागे लेकिन उनके परिजन पीछे छूट गए। जो लोग अपनी जान बचाकर भागे वो उनकी स्थिति की आप कल्पना नहीं कर सकते, बेहद दयनीय स्थिति है, बेहद डरावनी स्थिति है। ये है वो परिवार के लोग जिनके अपने तो उस मलबे में ही पीछे छूट गए, मलबे में दब गए, घरों में रह गए, लेकिन ये किसी तरह से बच गए और जब ये घटना हुई तब ये अपनी जान बचाकर निकलने में कामयाब रहे। चूंकि उस वक्त अंधेरा था, कोहरा था, तो अंदाजा नहीं था कि घर में कौन सदस्य कहां पर है, अफरा तफरी का माहौल था। इस अफरा तफरी के माहौल के बीच ये जो महिलाएं आपको दिख रही हैं, छोटा बच्चा है, इतने लोग अपनी जान बचाकर निकलने में कामयाब रहे लेकिन इनके परिजन, महिलाओं के परिवार के सदस्य, इसमें से किसी के पति, किसी के भाई, किसी का बेटा, किसी का बच्चा, किसी की माता, तमाम लोग वहां गांव में पीछे छूट गए जिस पर मलबा गिर गया। ये बेहद दयनीय और बेहद दर्दनाक तस्वीर है। महाराष्ट्र के लिए आज की सुबह काली सुबह साबित हुई है। पिछले दो दिनों से महाराष्ट्र के रायगढ़ में लगातार तेज मूसलाधार बारिश हो रही थी और तेज मूसलाधार बारिश के चलते जो चट्टान है वो खिसक गया। इरसालवाड़ी नाम का ये जो गांव है उस गांव में लगभग जनसंख्या 260 के करीब है और 260 में से बताया जा रहा है कि 120 से अधिक लोग मलबे के भीतर दबे हैं। 46 घर थे, कच्चे घर थे, ये 46 घर में से 39 घर मलबे के अंदर दबे हैं। एक पालतू पशु, एक कुत्ता भी है, आप देखिए पाला हुआ, ये भी परिवार के साथ में जान बचाकर परिवार के साथ आ गया लेकिन बहुत दयनीय स्थिति है। और इन महिलाओं, ये बुजुर्ग से बुजुर्ग महिलाएं हैं और इनके जो घर के मुखिया हैं, घर के मुख्य लोग हैं, वो फिलहाल मलबे में है, दबे हुए हैं और इन लोगों के लिए बहुत दयनीय स्थिति है। किसी तरह से बारिश के पानी और जो लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है उससे जान बचाते हुए ये लोग यहाँ पर पहुंचे। दादा, ये लोग जो हैं वो कैसे, कब निकल पाए, कैसे निकले, कभी ये लोग कैसे निकल पाए रात को, अपनी जान कैसे बचाए? तो उगते डोंगर खसत आला ना, त्याच्यामुळे ते पळापळ झाली त्यांची, तेव्हा खाली पडून आली। अच्छा, अफरा तफरी हो गई थी, पड़ापड़ी, तो वो अपनी जान बचा के आ गए। बाकी इनके परिवार के लोग कितने लोग होंगे अंदाजे? अंदाजे 500 की लोग संख्या है, ज्यादा ज्यादा है। अच्छा, ये लोग रात से, इतने लोग ही हैं गांव के जो बचकर आए हैं, और भी लोग हैं? और उधर किधर होगा, झोपड़ा है ना उधर होगा, उधर कुछ लोग ढूंढने भी गए हैं ऊपर परिवार के लोग। हाँ, देखिए, जो कि जो परिवार के सदस्य बच गए हैं वो अपने परिवार के सदस्यों को, अन्य परिजनों को ढूंढने के लिए फिर से पहाड़ी पर जाना चाहते हैं लेकिन प्रशासन लोगों को ऊपर जाने से रोक रहा है। वजह यही है कि जो राहत और बचाव कार्य है उसमें दिक्कत आएगी, लेकिन ये
बेहद दर्दनाक तस्वीर है, बेहद चिंताजनक तस्वीर है। और कल्पना करिए, ऐसे एक दो परिवार नहीं है बल्कि ऐसे 39 घर हैं और ऐसे न जाने सैकड़ों लोग हैं जो मलबे के भीतर दबे हुए हैं। ऐसे कई दर्जन परिवार हैं जिनके परिजन पहाड़ के चट्टान के नीचे दबे हुए हैं। रात 11:30 बजे की घटना है। लगातार इस पूरे परिसर में तेज मूसलाधार बारिश हो रही थी और चट्टान खिसकने से ये बड़ा हादसा हुआ। आदिवासी समाज के लोग हैं, भाषा की थोड़ी दिक्कत है, हिंदी नहीं बोलते हैं और जो मराठी है, लोकल डायलेक्ट है जो आदिवासियों का, वो भाषा बोलते हैं। पर कुछ बच्चे भी हैं जो साथ में अपने माँ के साथ में, अपने दादी के साथ में भागकर पहाड़ी से उतरकर नीचे तक पहुँच आए। और लेकिन इनके घर के जो मुखिया हैं वो नहीं है, वो मलबे के भीतर दबे हो सकते हैं। और छोटी सी बच्ची है, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार हुआ क्या बीती रात को, जो मेरे घर के अधिकतर सदस्य नहीं दिख रहे हैं और जो सदस्य दिख रहे हैं वो लगातार रो रहे हैं। छोटी सी बच्ची है, वो कल्पना नहीं कर सकती कि आखिरकार उसके परिवार के सदस्य क्यों लगातार रो रहे हैं, उसकी माँ क्यों लगातार रो रही है। तो वहीं दूसरी तरफ उसे नहीं समझ में आ रहा है कि उसका भाई, उसके पिता, उसके दादा कहाँ पर हैं और हम अपना घर छोड़कर किसी दूसरे के घर में क्यों बैठे हुए हैं। महिलाओं की रो रोकर बहुत बुरा हाल है और ये बेहद दर्दनाक तस्वीर है। और कल उम्मीद और प्रार्थना यही करते हैं कि इनके जो परिजन है वो सुरक्षित होंगे, उन्हें जल्द ही NDRF की टीम रेस्क्यू करेगी, उन्हें जल्द ही मेडिकल इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन ये जो चीख है ये कुछ लोगों की चीख नहीं है बल्कि ऐसी सैकड़ों जिंदगियों की चीख है जो बीती रात इस बड़े हादसे का शिकार हुए। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, ABP News, रायगढ़।